उज्जैन में स्मार्ट सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में संपन्न की गई, जिसमें कई विकास कार्यों पर चर्चा की गई। उज्जैन शहर के लगभग 25,000 स्ट्रीट लाइट को स्मार्ट स्ट्रीट लाइट में बदला जाएगा। केंद्र सरकार की कंपनी EECL इस कार्य को करेगी। स्ट्रीट लाइट की 7 वर्ष की वारंटी होगी तथा इतने ही समय का मेंटेनेंस का कार्य कंपनी द्वारा किया जाएगा। कमांड एंड कंट्रोल रूम के द्वारा शहर की सभी लाइटें समय पर बंद चालू की जाएंगी। स्मार्ट लाइट लगने से नगर निगम को लगभग 4.5 करोड़ सालाना की बचत होगी। वहीं महाकाल मंदिर के पीछे बेगम बाग माधव सेवा न्यास के लगभग 200 घरों को धतरावाद में शिफ्ट किया जाएगा। मकानों में रहने वालों के किए पास के ही गांव के अस्थायी रहने की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद इन्हें फ्लैट दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा शहर में स्थापित किए गए प्लेटोटोरियम में 3D प्रोजेक्ट 4000 रिजोल्यूशन प्रोजेक्ट की स्थापना करते हुए इसका अपग्रेडेशन किया जाएगा। इसकी लागत 8.5 करोड़ रहेगी। नया टेक्निकल पार्किंग सह कमर्शियल कॉम्प्लेक्स त्रिवेणी संग्रहालय के पास स्थापित किया जाएगा। इसमें सरफेस पार्किंग व लैंड एरिया डेवलपिंग, इसकी अनुमानित लागत 7 करोड़ रुपए है। इस कार्य में बाउंड्री वॉल, सड़क, इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शामिल है। महाकाल मंदिर की जो के आसपास के क्षेत्र की विकास की योजना है, उस पर बहुत युद्ध स्तर से हम लोग काम कर रहे हैं और उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उस पर लगातार पैरेलली हम लोगों का काम जारी है। और उसी के तहत आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जो बेगमबाग की रोड है और उसके दाहिनी तरफ जो मकान मंदिर और उसके बीच के जो मकान बने हुए हैं, और ख़ास तौर पर ये सारे के सारे मकान सरकारी भूमि पर और नाले के ऊपर बने हुए हैं, पूरी तरीके से अवैध हैं, लेकिन फिर भी हम इनका प्रॉपर व्यवस्थापन करेंगे और व्यवस्थापन के तहत हम लोग मल्टी बना रहे हैं, मल्टी बनाकर फ्लैट बनाकर इनको देंगे। लेकिन ये काम चूंकि हमको जल्दी पूर्ण करना है, इसके लिए हम लोग एक अस्थायी प्रकार के पहले घर बनाएंगे जिसमें इनको अगले 2-3 महीने के अंदर ही शिफ्ट करेंगे, और उसके बाद जब मल्टी का काम पूरा हो जाएगा उसी स्थान पर, तो वहां पर हम लोग इनको मल्टी के फ्लैट में शिफ्ट कराएंगे।